हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ डीजल की डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आखिरी तक वीडियो देखिएगा तो आप डीजल की डेंसिटी का कैलकुलेशन जो है वो सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चार्ट है जिसमें कि जो डेंसिटी है वो करेक्टेड डेंसिटी का दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस टेम्परेचर पे कितना डेंसिटी आता है वो यहाँ से ले सकते हैं। ये आप देखिए दिया हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा ऑब्जर्व डेंसिटी है। ये तो करेक्टेड डेंसिटी तो हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मेट आ चुका है जिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा डीजल डेंसिटी टेस्ट का है जो कि हम डीजल की डेंसिटी हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, उसको आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन आप इससे सीख सकते हैं। हाइड्रोमीटर की रेंज क्या है, 800 से 850 kg/m³। डेट ऑफ सैम्पलिंग है ये, और ये IUCL का है। ये डेट ऑफ टेस्टिंग है, ये इनवाइस नंबर है, और ये व्हीकल नंबर है जिससे कि डीजल आया हुआ है। इसके बाद में आपको जब लैब में आप टेस्ट करेंगे लाके तो टेम्परेचर देखा गया है 26 पे जो डेंसिटी आई है वो है 817। ऐसे एक और ट्रायल किया गया है, उस पर भी 817 आया है। इसका एवरेज ले लिया तो हमारा 26 आया है। डेंसिटी का भी एवरेज ले लिया तो यह 817 आया है। करेक्टेड डेंसिटी जो मैंने चार्ट अभी आपको दिखाया था वहाँ से अब लेके 26 डिग्री सेल्सियस पे लिख सकते हैं। इसका भी एवरेज ले लिया गया है तो एवरेज ये आया है 824.7। अब आगे ये दे रहा है सप्लायर डेंसिटी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो 823.10 है, 823.10 है। इसका भी एवरेज लेके नीचे दिया हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया है, तो डिफरेंस के लिए फार्मूला ये है, A-B/A × 100। तो A हमारा ये है, B हमारा ये है, और इसे डिवाइड कर दिया है इनटू यानी मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा ये 0.194 ये आ गया है। इसका भी एवरेज लेके नीचे लिखा हुआ है। अब इसका स्पेसिफाइड टोलरेंस क्या है, टोलरेंस है G±3%। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप डीजल का डेंसिटी का कैलकुलेशन जो है करना सीख सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। माता पिता की सेवा करें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।